तो हे गाइस, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेटनिसोल एस्टेरॉइड मेडिसिन के बारे में, जो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगी। ये गोली दोस्तों आपको मिल जाती है लगभग 14 रुपए का, 20 टैबलेट आपको मिल जाता है। काफ़ी सस्ती टैबलेट है और काफ़ी सही टैबलेट है, क्योंकि एक एस्टेरॉइड मेडिसिन है जिसको एलर्जिक कंडीशन में यूज़ करना चाहिए, स्वेलिंग कंडीशन में यूज़ करना चाहिए। आगे हम डिस्कस करेंगे किन किन कंडीशनों में आपको यूज़ करना चाहिए, तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये आपको टैबलेट के फॉर्म में, ड्रॉप के रूप में, आई ड्रॉप में भी, क्रीम के रूप में भी देखने को मिल जाते हैं। ये एक काफ़ी अच्छा बेस्ट एस्टेरॉइड होता है। कोई भी दवाई आपके लिए तब तक नुकसानदायक नहीं है जब तक आप उसको ओवरली यूज ना करें। कोई भी चीज हो, दवाई हो, खाना हो, अगर आप खाना ओवर फूड कर लेते हो, ओवर ईटिंग कर लेते हो, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इसी प्रकार से दवाइयों का भी होता है। अगर आप दवाइयों को सही तरीके से यूज कर रहे हो तो दवाई अपने काम पूरा करती है, लेकिन अगर आपको हैबिचुअल हो जाएंगे इन चीजों के तो आपके लिए नुकसानदायक होती है। इसीलिए कहते हैं एस्टेरॉइड का ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी बात है, अगर आपको रिक्वायर्ड लगती है तो ही यूज करवाना चाहिए, या फिर आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है तो ही आपको यूज करना चाहिए। ये एक लोकल एस्टेरॉइड होता है जो बेसिकली स्वेलिंग को, एलर्जी को कम करने में मदद करता है। मुख्यतः इसको नोइज वाली जो स्वेलिंग आती है, नोइज में जो जलन होती है, नोज ब्लॉक हो गई, तो उन कंडीशनों में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। मुख्यतः यूजेस की बात करें तो नेजल कंजक्शन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। जैसे मैंने बताया है, नाकों नाक बंद हो जाना, सूजन की वजह से नाक बंद हो गया, एलर्जी की वजह से नाक बंद हो गया, तो उसमें यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ एलर्जी कंडीशन में, जैसे कई बार होता है ना कि यार आप पानी वानी पी लिया, कुछ ठंडा वरना खा लिया, जिसकी वजह से आपकी नोज बहुत ज्यादा ब्लॉक हो गई, कोल्ड के सिम्टम्स शुरू हो गए, तो उसमें भी इसका यूज किया जा सकता है। साथ ही साथ ईयर इन्फेक्शन में भी इसको लिया जा सकता है, और इसके साथ साथ जैसे अस्थमेटिक पेशेंटों में भी इसका यूज़ किया जाता है। जिन पेशेंटों को अस्थमा की दिक्कत होती है, जैसे सूजन वगैरह बढ़ रही है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बेसिकली अस्थमा वालों को दिक्कत तभी होती है जब उनकी श्वास नली क्या होती है, सिकुड़ जाती है, तो ये दवाई क्या करती है, अंदर जाके एक प्रकार की उनकी स्वेलिंग या एलर्जी हो, उनकी जो नलियाँ होती हैं उनको खोल देती है, जिससे सांस आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके साथ साथ ही ब्रेन में हो रही स्वेलिंग को भी कम करने में मदद करता है। इसके साथ एलर्जिक कंडीशन में यूज़ किया जा सकता है। ड्रग्स रिएक्शन के, कई बार दवाइयां जो होती है आपको रिएक्शन कर जाती है, जैसे आंखों में सूजन आ जाती है, बॉडी में बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है, तो उसके बाद भी इस मेडिसिन को दिया जा सकता है। इसके साथ साथ ही एंटीबायोटिक्स दवाइयों के सपोर्टिव तौर पर मेडिसिन को भी लिया जाता है। कई एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, कई बार आपने एंटीबायोटिक दे दिया, एंटीपायरेटिक दे दिया, कई ड्रग्स ऐसे होते हैं जो आपस में रिएक्शन कर जाते हैं, तो उसके साथ इसको सपोर्टिव के तौर पर लेना चाहिए। ये उनके रिएक्शन को रोक देता है। अगर गलती से कोई रिएक्शन हो भी गया तो पेशेंट को पता नहीं चलता है और वो बिल्कुल ठीक रहता है। इसके साथ साथ इसके निषेध के बारे में बात करें, किन कंडीशनों में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। सबसे पहली बात, फंगल इन्फेक्शन की कंडीशनों में कभी भी इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की कंडीशन में भी यूज़ नहीं करना चाहिए। डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं उनको कतई भी यूज़ नहीं करना चाहिए, और 1 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी इस एस्टेरॉइड का यूज़ नहीं करना चाहिए। अदर कंडीशन हो जाते हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इसको भी यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर किसी को रिएक्शन होते हैं इनसे तो भी यूज़ नहीं करना चाहिए। इसमें जो ब्रांड नेम से आपको देखने को मिल जाता है बेटनासोल, और कई प्रकार के जेनेरिक रूप में भी देखने को मिल जाता है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो होता है बेटामेथासोन, जो कि आपको 0.5 mg में ये वाली गोली मिल जाती है, और एक बेटनासोल फोर्ट आता है जो 1 mg में होता है। इंजेक्शन जो होता है वो आपको मिल जाता है 4 mg प्रति ml की क्वांटिटी में मिल जाता है, और ड्रॉप के रूप में अलग अलग क्वांटिटी में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता ही है। डोजेज के बारे में बात करें तो 0.5 से 5 mg दिन में 2 से 3 बार तक इजीली यूज़ कर सकते हैं। इंजेक्शन के रूप में 4 to 20 mg तक भी इसको दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। 1 साल से 5 साल तक के बच्चों में 2 mg ODE के तौर पर लिया जाता है, और 5 से 12 साल तक के बच्चों को 4 mg ODE के तौर पर, यानी दिन में एक ही बार लेना चाहिए। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो थोड़ा बहुत क्या होता है, आपको नींद आना, सुस्ती आना, या कभी कभी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन कर देता है अगर बहुत ज़्यादा आपने ओवरली यूज़ कर लिया, और अगर आप इसके हैबिचुअल हो गए तो आपकी बोन को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देता है, आपकी बॉडी को फुलाना शुरू कर देगा। पहले तो सूजन को ही कम करता है, लेकिन बाद में आपको सूजन देना शुरू कर देगा, तो इसलिए इसको कहते हैं कि लंबे समय तक यूज़ नहीं करना चाहिए। सो गाइज, ये था कुछ बेटनिसोल मेडिसिन के बारे में डिटेल्स जानकारी, और डॉक्टर के विदाउट कंसल्ट के आपने यूज़ नहीं करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें वीडियो को, ज़्यादा ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें वीडियो को। कुछ डाउट रहेगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम फेसबुक आप हमें ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा अगर आपके कुछ भी पर्सनल क्वेश्चन होते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय, टाटा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।